बुरहानपुर जिले में कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए 15 अप्रैल से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना कर्फ्यू में बेवजह घूमने वालों को पुलिस अब तक स्थायी जेल से लेकर चालानी कार्यवाही कर रही है, लेकिन लोगों पर इसका असर नहीं हो रहा है। लिहाजा बुरहानपुर पुलिस ने अब कोरोना कर्फ्यू में बेवजह घूमने वालों को स्थानीय नेहरू स्टेडियम पर लाकर उनसे करीब एक घंटा व्यायाम, योग कराने, बेवजह नहीं घूमने की शपथ दिलाने व औरों को भी प्रेरित करने की शपथ दिलाई। साथ ही इन लोगों पर जुर्माना तो लगाया, साथ ही उन्हें कोरोना से बचने के लिए हमेशा मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व बार बार हाथ धोने की भी नसीहत दी। ये कार्यवाही चारों थाना द्वारा संयुक्त रूप से की गई, जहां सभी थानों में पकड़ गए लोगों को नेहरू स्टेडियम पर एकत्रित कर लाया गया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान और CS PBAP वर्मा के नेतृत्व में कार्यवाही को अंजाम दिया गया। बुरहानपुर से नीलेश सोनी की रिपोर्ट। युवाओं को दंडित किया जा रहा है, ये कोरोना कर्फ्यू जो चल रहा है इसको उल्लंघन करने वालों को जो डेली कार्रवाई थाना प्रभारी लोग अपने अपने कर रहे हैं क्षेत्र में, आज थोड़ा नयापन लाए हैं इनको पालन कराने के लिए। जो अनावश्यक रूप से बाहर घूम रहे हैं इनको अपन सोशल डिस्टेंस और इसका पालन कराते हुए, कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए, उनको सचेत करने के लिए, उनको शपथ दिलाने के लिए, और आज यहाँ चारों थाना प्रभारी द्वारा जो पकड़ के लाए हैं उनको कोरोना कर्फ्यू उल्लंघन करने वालों को, उनको आज स्टेडियम में ग्राउंड में लाया, उनको साधारण प्राणायाम व्यायाम के तहत उनको बताया जा रहा है कि आप लोग सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग करने के साथ साथ कोरोना कर्फ्यू जो लागू किया गया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा, अपने यहाँ कलेक्टर साहब द्वारा उसको जारी किया गया 140, उसका उल्लंघन करने पर आप लोग दंड के भागी हो सकते हैं। इसलिए उनको सचेत किया जा रहा है कि आप लोग इसका पालन करें और घर में भी, आस पड़ोस में भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें और इसको नियम में बना लें, ताकि ऐसी स्थिति निर्मित न हो जिससे कि कोई कोरोना संक्रमण हो और किसी की जान जोखिम में पड़े। इसलिए इनको सबको बुलाया, करीब आज 113 से 115 लोगों को इकट्ठे किए विभिन्न थाना क्षेत्रों से, ताकि इनको हल्की प्राणायाम के तहत और शपथ दिलाई जा रही है, ताकि इसका उल्लंघन न कर सके।